यूथ कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रहा है, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं श्रीनिवासन जी। सर आप लगातार मैं देख रहा हूँ वहाँ पे अच्छी खासी तादाद में हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संसद की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण है या कैसे? इस गुंगे बेरे निकम्मे सरकार सोया है, सोने जैसे ड्रामा कर रहा है। जो शहीदों के नाम पे एक मुट्ठी मिट्टी शहीदों के नाम पे उनके गांव से लाया हूँ, यहाँ अंदर बैठा है इनका मंत्रिमंडल, किसी को मर्सी नहीं है इस देश का अन्नदाता के बारे में। उनके इन लोग ने कहा खालिस्तान, कहा इन लोग को, कहा देशद्रोही, कहा क्या बातें रखा है। नो फार्मर्स नो फूड, नो फार्मर्स नो नेशन समझना चाहिए। कोई दो लोग के लिए नहीं है ये सरकार, ये लोकतंत्र है, लोगों से लोगों के लिए बनाया ये सरकार, ये लोकतंत्र। इनका सरकार कैसे बना, इनका सत्ता पूंजीपति से पूंजीपति लोग के लिए बनाए, वो लोग जो लेगा निर्णय वही निर्णय यहाँ लेके आके लागू करेगा। ये मुंबई में बैठ के करता है, वहाँ उनके घर में परिवार में कितना दुख है, आज भी वो लोग खाना नहीं खा रहा है। ऐसे ऐसे लोगों के बारे में इन लोग ने देशद्रोही कहा है। सरकार को मैं बोलना चाहता हूँ, सरकार ये जो भी शहीद हुआ है उनको शहीदों का दर्जा दो, देशद्रोही नहीं चाहिए, असली देशद्रोही आप लोग है। लेकिन 26 जनवरी के जिस तरीके से हिंसा हुई, 26 जनवरी में किसने घुसा? बीजेपी का उनका कार्यकर्ता, बीजेपी का साथ, नरेंद्र मोदी से लेके वो मिनिस्टर से लेके तमाम लोगों का फोटो खींच के सोशल मीडिया में 4-5 साल से लगातार लगा रहे। उस आदमी कैसे अंदर पहुंचते है? बिना इन लोग के सपोर्ट वो लोग पहुंच सकते है? इस किसान आंदोलन को खत्म करने में ये पूरा साजिश, ये बीजेपी का सरकार और आम आदमी का सरकार दोनों मिलके इस देश का अन्नदाता को खत्म करने में लगे। ये देश है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री है, उसको खत्म होने नहीं दो। ये युवा कांग्रेस अध्यक्ष थे श्रीनिवासन जी जो कह रहे थे कि किसानों के समर्थन में ये लोग जो हैं संसद के घेराव करना चाह रहे हैं, काफी सारी तादाद में है पीछे, और वहाँ से काफी लोगों को अरेस्ट भी, डिटेन भी कर लिया है दिल्ली पुलिस ने, लेकिन अभी भी ये संसद की तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैमरा कालीकांत के साथ विनय सिंह, 24 दिल्ली।